आप अच्छे होंगे, हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। वेलकम टू सईदा लाइफ फैमिली लोग। गाइस आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मेरी बहन का ऑपरेशन है, आज गई है वो फाइनली। देखो आज हो जाता है उसका तो सही है, 2 हफ्ते से हो नहीं रहा था। और मैं जा रही हूँ, मैं ये खाना पैक कर, रोटी पैक, ये अपने बेटे का लंच पैक कर दिया मैंने, मुस्कान ने रोटी बना दी है फटाफट। ये रोटी बेटा पैक कर देना, ठीक है, वो भी मैं अपना लेके जा रही हूँ। कोई शायद गाइस बहुत टाइम लग सकता है अस्पताल में, तो मैंने अपना ही पैक कर लिया है। मैं सोनू जा रहे हैं, तो थोड़ी देर मिलते हैं। क्या तू कमरे ले खड़ी, बर्तन धो लूँ मैं? गाइस मैं जल्दी से बर्तन धो लूँ, मुझे तो जाना है ना हॉस्पिटल। सोनू, सिमरन, जल्दी आओ बेटा, जल्दी से प्रेस कर लो फटाफट मेरे कपड़े भी, अपने कपड़े भी, ठीक है। और उसके भैया ये कपड़े प्रेस कर दो, मुझे तैयारी करना, जल्दी वो भी निकल जाए, मैं भी चली जाऊंगी, ठीक है। मुस्कान जाओ, तुम जाकर मैंने धोली सफाई कर ली है, और आप जाकर जाओ, मुझे जाकर सफाई करो फटाफट, नहा धो, नमाज करो, ठीक है। जुम्मे का दिन है, नमाज पढ़नी है, ठीक है। मैं जल्दी से फटाफट नहा के निकाल देती हूँ, काम को फिर करते। गाइस हम जा रहे हैं हॉस्पिटल खाला से मिलने के लिए, ठीक है। मैं चले, चलो चलो जल्दी चलते हैं, काफी टाइम हो गया है। कौन बंद कर पंखा? चलते हैं। तो बैठ गए गाइस हम रिक्शे के अंदर, जा रहे हैं हॉस्पिटल। प्रवेश हॉस्पिटल, चलते हैं खाला के पास उनसे मिलने के लिए। आ रही हूँ। गाइज मेरी खाला आ गई हैं, अब उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट करेंगे। गाइस हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल से खाला को देखकर, तो अब जा रहे हैं हम घर, तो आपसे घर जाके मिलते हैं। काफी ज्यादा थक चुके हैं, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद।
नमस्ते नमस्ते, आप अच्छी लग रही हो। थैंक यू दोस्तों। गुड मॉर्निंग, हम नाश्ता कर रहे हैं। खाई जरा नाश्ता हमारा। एक्चुअली में कल हम खाला को देखने के लिए गए थे तो काफी ज्यादा टाइम हो गया था, वहां से आके मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी तो आकर हम सो गए नहा के। चलो खराब भी होगा, हमारी हिम्मत नहीं उठने की तो अब सुबह हम कल की वीडियो को आज की रोजा ज्वाइन करके डालेंगे। तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। आ जाइए आप सब लोग भी, प्रधान आ जाओ भाई। हम जा रहे हैं नानी के घर पे। आप लोग भी सोचते होंगे कि हम रोज रोज नानी के घर पे क्यों जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये कि हमारे नानी के घर थोड़ा पास में ही है मोजपुर में, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर हो गई थोड़ी सी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि आपको पता ही है मेरे खाला का कल ऑपरेशन हुआ था, तो अम्मी का मुंह खाला के चक्कर में वैसे ही ख़राब है। और कल क्या हुआ कि मेरे मामा ना शाम के टाइम ना खाला को देखने के लिए गए थे, मामा और मामी हॉस्पिटल, तो उन्होंने गाड़ी लगाई थी पार्किंग में। तो 8:13 पर उन्होंने गाड़ी पार्किंग में लगाई और 8:18 पर किसी ने उनकी बाइक को छोड़ दिया। तो समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ से मुसीबत ऐसी आई हुई है कि जहाँ देखो वहाँ मुसीबत, जहाँ देखो वहाँ मुसीबत। बहुत टेंशन हो रही है। कल हम लोग पूरे दिन हॉस्पिटल में थे, शाम के टाइम हम घर पर आए, शाम के टाइम आके मेरी एकदम तबीयत खराब हो गई। तो मैं नहा धो के और पढ़ के सो गई, मुझे पता ही नहीं घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और फिर मम्मी ने सारा काम किया, मुस्कान ने सारा काम किया, खाना वाना जो भी था इन्होंने अपना आप रेडी किया, हमने ब्लॉग भी नहीं बनाया। फिर रात को थोड़ी देर बाद ही फोन आ गया मामा का कि मेरी बाइक चोरी हो गई, और दिमाग खराब हो गया गाइस। तो गाइस इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना कि आप रात भर, मम्मी तो सो भी नहीं पाई, मेरा नींद भी नहीं आ रही। मुझे तो खैर पता ही नहीं था कुछ भी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मुझे मम्मी ने सुबह ही बताया था। सुबह उठ के मम्मी ने अपने कपड़े धोए, मशीन लगाई, घर का भी काम तो आप जरूरी है, सब कुछ करना पड़ता है। खाला के पास भी हॉस्पिटल में कोई भी नहीं, जो खाला का एक अकेला बेटा है, ठीक है। मामी है मेरी बड़ी वाली, वो भी ड्यूटी पर रहती है, छोटी वाली मामी है वो भी ड्यूटी पर रहती है। मामा कल शाम में मामी को देख, खाला को देखने के लिए गए भी थे, तो वहाँ उनकी बाइक चोरी हो गई, एक और मुसीबत हो गई। इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, मेरी तबीयत खराब है। रात को तो मिले थे मामा, हाँ आपने देखा होगा मामा बाइक पर थे, 1000 पे गाड़ी से कर रहे थे, बोल रही थी मम्मी को छेड़ रहे थे पीछे से, फोन में सुनी कोई और को मिल गया मिल गया पीछे से। इतना ज्यादा तेरे अशी सी इस ब्रह्म बोली अम्मी मामा है मामा, मैंने वो पढ़ा था, मैंने अरे मेरे भैया तुमने कहा भैया है टू टूटी सारे बेचारे, वैसे इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं और इतनी, उससे उन्होंने अभी न्यू बाइक ली थी और उनकी बाइक चोरी हो गई, पता नहीं किसने उनकी बाइक चोरी कर ली। और उनके सीसीटीवी कैमरे में देखा है तो ये पतला सा लड़का बता रहे थे, हमने तो खैर अभी कुछ देखा भी नहीं है। तो मामा ने उनकी कंप्लेंट तो की है, बस ऊपर वाले से दुआ और आप लोग से दुआ करना कि मेरे मामा की बाइक मिल जाए, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले भी न्यू बाइक ली है। तो बड़ी ज़्यादा दिमाग खराब हो रखा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। खाला के पास भी हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है, कल छोटी वाली खाला रुकी थी, अम्मी जो है मुझे रुक नहीं सकते क्योंकि इनकी आंखों में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है, मेरी तबीयत खराब हो गई जो मैं रुक जाती, तो वैसे भी पेशेंट के पास में मुझे फ्लू हो रखा है तो मैं रुक नहीं सकती, मुझे कोल्ड हो रखा था और कौन रुकता उनके पास। तो छोटी वाली खाला कल रुकी थी, अब उनके घर में कुछ एमरजेंसी थी, उन्हें भी कहीं जाना था तो वो भी आ चुकी हैं। अब खाला के पास कोई नहीं है, अब जा रहे हैं देखते हैं क्या होता है आगे। क्या टाइम हो गया, 1:30 बज गया, चारों तरफ से मुसीबतों ने घेर रखा है। 1:30 बज गया, सुन जाना भी है ना थोड़ा। हाँ चलो फिर चलते हैं, ब्लॉग भी नहीं बना रहे गाइस, हमारा मन नहीं है ना, फिर भी नहीं लगा। क्या ब्लॉग बनाए, आप लोगों को पता ही है टेंशन इतनी ज्यादा हो रही है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हर चीज ब्लॉग में डालते हैं, अब हम जब सोशल मीडिया पर आए गए हैं तो गाइस हम तो अपनी खुशी भी दिखाएंगे और अपनी प्रॉब्लम भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग हमारे हमसे अलग तो हो नहीं, आप लोग हमारी फैमिली बन गए हो, तो एक फैमिली में तो सभी चीज़ बातें बताई जाती है ना। अब लोग सोचते होंगे कि बताओ खाला का ऑपरेशन भी दिखा रहे हैं, बाइक चोरी हो गई इसके बारे में भी बता रहे हैं, अपने घर की एक चीज़ बताते, तो गाइज अब फैमिली से कई बार छुपाई थोड़ी जाती है, आप लोग हमारी फैमिली हो आपसे कई बार छुपाएंगे थोड़ी। तो हम तो अब एकदम ओपन हो चुके हैं, जो है आपके सामने सब कुछ आपके सामने हमें दिखाना, क्योंकि आप लोग हमें समझते हो, ज़्यादा प्यार देते हो, तो उम्मीद करेंगे आगे भी हम ऐसे समझें। तो चलते हैं नानी के घर, ठीक है गाइज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, वहाँ पर देखते हैं क्या सिचुएशन है। देखते हैं गाइज नानी के घर, आप समय ही मिलते हैं फिर।
देखिए घर। अस्सलाम वालेकुम। हाय जेनू। हाय जेनू। क्या कर ला किसी कर दो यहाँ पर जेनू किसी कर दो मेले 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 अप्पी की जान कौन है अप्पी की जान किसकी जान है तू किसकी जान हो बाय जाऊं जाऊं जेनू जाऊं 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 ओह मैं कह रही जाओ जाऊं नहीं जा रही हूँ मैं बाय तेरे तू सी ना जाओ जाओ आई हाय जाओ जाने में जाऊं जाऊं ओपीपी आ गई पापा ले आए पीपी पापा आ गए गाड़ी पता नहीं किस कमबख्त ने चुराई चलो जा रहे हैं बाय जेनू बाय चलो जा रहे हैं अब हम अपने घर मुझे भूख नहीं लग रही मेरा दिमाग टेंशन हो रहा था इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा खाने के लिए साथ खैर से मेरे भैया की गाड़ी मिल जाए बस यही टेंशन हो रही है मुझे नई की नई गाड़ी है अभी एक साल की नहीं हुआ उसको लिए हुए समझ लो मामा ने कंप्लेंट नहीं कराई क्या करा देती हॉस्पिटल में उसके पास सिर्फ अम्मी है छम्मी भी आ गई और मैं भी नहीं जा पाई आज गाइस मैं देखती हूँ कल जाऊंगी कल चलना है कल चलने की तो मुझे हर जगह अल्लाह क्या समझ रहा सुन देख ये तो कुछ बात नहीं हुई देख है ना अब मेरे साथ कौन जाएगा बता दो उसका जब मैं आई थी तो तू खाना वाना कुछ बना लेती बेटा तूने कुछ बनाया मुझे पता नहीं था कि क्या बनवाना है बता के भी नहीं गई थी बता के जाती तो बना भी लेती थोड़ा बहुत तो कुछ तो कर ही लेती बना ही लेती क्या बना लेती ऐसी बात नहीं कि चल जाती तो थोड़ा बहुत तो बना ही लेती क्या बनाएगी अब क्या बनाना है बना लो बता दो क्या बनाना है तुम बताओ क्या बनाओ अब तुम्हें जो अच्छा लगे भैया बना लो तुम तो फिर यही कहती हो कि बिरयानी मंगा दो मम्मी नहारी मंगा दो मम्मी है और सुतारो पापा ने फोन भी तो करा था ना आने के लिए नहीं मेरे पास तो नहीं आया कोई फोन पापा कह रहे थे फोन आया था क्यों कह रहे थे पता नहीं मैंने सब मैंने फोन भी करा आई भी नहीं फोन उठाया ही नहीं अब जल्दी बताओ क्या बनाना है क्या बनाना अब देखो तुम्हारी पसंद आ रही है आलू बना आलू पराठे बना लूं पराठे पावली हुई रात में इस टाइम पराठे आलू बनाऊं तो तू मुसीबत है तुम्हारी आलू बना लिए भुरता करूं तब तो तू बहुत बड़ी मुसीबत है क्या ऐसी क्या चीज है वो दुनिया में मेरे को जो जैसी बनानी है खानी है फिर दाल चावल बना रही हूँ मैं हाँ तो फिर क्या तुम दाल चावल पा जाओ या फिर बिरयानी पा देते दाल चावल बनते हैं और क्या बनते हैं दाल चावल तो तुम्हारे बनते कम है क्या बनाऊँ उसका चलो फिर मैं दाल चावल बना लेती हूँ ठीक है बना लो फिर दाल चावल ही बना लो हाँ मूड भी सही नहीं है मम्मी पापा तो है नहीं हाँ पर जान के लिए मैं अपने लिए क्या बनाऊँ बाहर से मंगा देना ना हाँ सही है मैं बाहर से मंगा दूँ काम करो तुम भी नहीं खा रही और ये भी नहीं खा रही नहीं ना खाओगी अभी थोड़ी देर तुम्हें भूख भी लग सकती है राजा के होटल में बैठ के उठा के आओ सर बाहर से मंगा दो कोई के मक्खन निकाल ला दो है
मक्खन दाल ला के दो। दाल मक्खनी रोटी मंगा। मेरा वैसे मूड सही नहीं है तो वो बोल दो मैं जाऊँ तुम्हारे लिए। तो एक काम करो मैं भी नहीं खा रही, प्रधान से बोलो बाहर खाई आएगा खत्म बात। अच्छा सुबह का गया बाहर से खा के आएगा, थका हुआ था मेरा बच्चा, उसके लिए रोटी बना के रखो बस, कुछ भी है चाहे कितने कितने हक वो है काम छोड़ देगा। थोड़ी दाल मैं खा रही, थोड़ी दाल मैं भी नहीं खा रही, मैं रोजा रख लूंगी। सिमरन कल चलिए फिर है ना हॉस्पिटल, कल चलेंगे फिर दोबारा। तो बेटी को तो बताओ जो आपने सिखाया था ना वो इशारा है। अच्छा जी हाँ, अच्छे नंबर आएंगे फिर। हाँ पूरा पेपर करके आई हूँ, एक दिन छोड़ के। चलो अच्छी बात, हम खालू खाए दो दिन से दिख ही नहीं रहे। अच्छा खाने तो बढ़ जाता मोहब्बत है तो। ए भगवान जो जैसे खा लू मैंने वैसे लगभग सबको दे पापा है। तेरे पे तेरे भी तो पापा ही है वो। मेरे पापा तो नहीं है, तेरे अंकल तो है। अंकल तो है तेरे? हाँ अंकल है, आ जाएंगे अभी थोड़ी देर। दस मेरे पापा ऐसे नहीं, बस खा लू। हाँ मेरे मेरे पापा जैसे हैं। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए ना। और बच्चे पढ़ना आए थे? हाँ चले गए, पता नहीं मुस्कान चादर उतारी हुई जिन्हें उतारी सब कर दिया था, सब कर लिया था। चलो ठीक है, यही टेंशन हो रही थी मुझे बाहर। मैंने कहा एक कदम घर में होता है एक कदम बाहर। दवाई मंगा लो ना, आपको दवाई मंगाओ कि पापा आ जाएंगे और थोड़ी देर में दवाई देते हैं। दवाई नहीं खाते हम, पापा से दवाई पापा ले देते हैं इनकी दवाई, पापा ही देते हैं भैया, हम नहीं खाते किसी को। तो मनाते तो बाहर से होंगे। नहीं क्यों इतनी फिक्र कर रही है, ज्यादा ही फिक्र कर रही है इसकी। अच्छा तो इसकी करो फिक्र, इससे करो भैंस की फिक्र ना करूं, ये फिर से मोटी हो रही है। ये भी फिक्र है मुझे तो, इसकी भी फिक्र है। बाजी तुम बाजी पापा बताओ, बाजी काम चोर है फिर से मोटी हो रही है बताओ। बाजी बाजी काम चोर है बताओ, मैंने इनके पास कोई बात बताई तो मैंने बोला बाजी काम दे, तो कह रही आधे घंटे में दूंगी बैठ जाओ बेटा। अभी तू बोलती है ना तू ज्यादा प्यार करो, तुम इसको ज्यादा नहीं थी, आपने मेरे मुंह को कॉपी रख देती है। तो मुस्कान तू एक बार बता, प्यार तुझसे भी है मुझे और इससे भी है, माँ के लिए औलाद बराबर होती है, सबको प्यार करती है माँ। पर तुम ज्यादा ही ओवररिएक्ट कर रही हो, तो मुझे मत मुझे कोई ओवररिएक्ट कर रही। देख ना बुखार इनका, देखो बुखार अब तो हो जाए। अरे अर्शी भी तो कह रही थी आने के लिए। ऐसे ना बोलो भैया, तू तो कह रही थी अर्शी आएगी, अम्मी अर्शी आएगी, आएगी जब आ जाएगी उसका दूल्हा ले आएगा, जब खाला खाला को देखने के लिए आएगी ना, कह रही थी ना। गाइस देख लो कैसे कैसे एक्टिंग करती है, एक्टिंग ना कर रही है। सुबह बड़ी ये एक्टिंग कर रही है, पड़ी हुई थी जब मिलवाया धुलवाया तैयार जब हुई है। पर एक बात है, एक तबीयत कितनी खराब है हमारी, मेरी हो या इसकी हो या मेरी दोनों, एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग ना कर रही है, तबीयत खराब हो रही है। अच्छा मैं तो रोज देखू ना, एक एक गली पे होता है, एक पैर गली में होता है, एक पैर घर में होगा इनका। हाथ मेरा तेरे मुंह के पास है, और मैं देख, और हाथ मेरा तेरे मुंह के पास है। से जब मैं देखती ना लेटी भी, तो मैं हैरान हो जाती, अचंभा हो जाती कि लेटी कैसे आज। अच्छा इसलिए मैंने बोला एक्टिंग कर रही है, वो तो कर ही रही है एक्टिंग, बुखार ना कुछ। अरे यार मैं तो ऐसी बोल रही थी कि थोड़ी तारीफ हो जाए मेरी। तारीफ हो जाए तेरी, तू रोजा कर ले। गाइस चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको, तू अपने घर जा रही है ना। दोस्तों आज मैं वीडियो हेयर कर रही हूँ, मेरी आज जरा दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा, आज बहुत दिमाग खराब हो रहा है। आज मैं वीडियो हेयर कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बस गाइस मुझे मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना। अच्छा क्या लगना, दिमाग तो सुकून, टेंशन ही टेंशन भरी पड़ी हर जगह से।